ओके ओके, थैंक यू अरविंद सर. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्ते. नमस्ते मैम. आज हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. मैं जरा स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, आप में से कोई मुझे बता दीजिएगा कि आपको दिख रहा है कि नहीं. आपको दिख रहा है ये पीपीटी दिख रही है आप लोगों को? ओके. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो बीच में डिस्टरबेंस होगा सेशन के बीच में. थैंक यू. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है बॉडी का होम्योस्टेसिस या बैलेंस मेंटेन करने के लिए. हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए और तत्व चाहिए, पोषक तत्व चाहिए जिंदा रहने के लिए. पर जब वो पोषक तत्व यूटिलाइज हो जाते हैं बॉडी में, एनर्जी बनती है, तो सिर्फ एनर्जी ही नहीं बनती है हमारी बॉडी को काम करने के लिए, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं. और इन वेस्ट प्रोडक्ट्स का निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो बॉडी में इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे जो बाद में आपके जहर जैसे बन जाएंगे, पॉइजन बन जाएगा आपकी बॉडी में नहीं तो वो. और पॉइजन का रोल तो हमें पता है, धीरे धीरे सारे फंक्शंस, बॉडी के फंक्शंस को खत्म करके अगर टाइम पे नहीं निकाला गया बॉडी से तो बॉडी खत्म हो जाएगी. तो ये जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बेसिकली यहाँ पे हम यूरिनरी सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे. तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. पहले तो एक्सक्रीशन होता क्या है, ये आपका जो प्रोसेस है बाहर निकालने का, जितना भी वेस्ट मटेरियल बना है, जितना भी बॉडी ने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, जितना भी सेल्स ने वेस्ट मैटर निकाला है, टिश्यूज ने आपके वेस्ट मैटर निकाला है, उनको निकालने का प्रोसेस है एक्सक्रीशन. तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये वेस्ट निकालने के लिए बॉडी में, और उसके माध्यम से फिर संतुलन बनता है पानी का, आयंस का, जो कुछ भी है बाकी अननेसेसरी तत्व यूरिन के थ्रू निकल जाने के बाद. अब हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स क्या है? एक तो हमारे पास दो किडनियां हैं, पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरेथ्रा है. तो यहाँ पे आपकी किडनीज में जो ये है, यहां से जो वेस्ट मैटर निकला वो इन ट्यूब से, यूरेटर से निकला, आपके यूरिनरी ब्लैडर में गया और फाइनली यूरेथ्रा से बाहर निकला आपके बॉडी में. तो ये है आपके पार्ट्स. अब मेन है किडनी, तो इसकी लोकेशन क्या है? ये पेरिटोनियम के पीछे है और वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारा पीछे स्पाइन में, उसके आइदर साइड में है, दाएं बाएं. और ये है वर्टिब्रल कॉलम में भी, थोरैसिक 12 टू लंबर 3 में के एरिया में ये स्थित है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा. एक तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है, कौन से पार्ट्स हैं उसके, और लोकेशन ऑफ किडनी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये जरूर याद रखिएगा. ये एक और चीज है, नेक्स्ट चीज, एज अ रूल लेफ्ट किडनी जो है आपकी नैरोअर, लॉन्गर एंड सिचुएटेड स्लाइटली हायर देन द राइट किडनी टू अकोमोडेट द लिवर. राइट किडनी जो है थोड़ी नीची है, वो लिवर को अकोमोडेट करने के लिए है.
लेफ्ट किडनी थोड़ी नैरोअर है, लॉन्गर है देन द राइट किडनी। तो इसका मतलब राइट किडनी थोड़ी लोअर है क्योंकि वहां पे लिवर है। तो ये जरूर चीज, एक ये चीज भी याद रखिएगा। इन अ लिविंग पर्सन एन अडल्ट किडनीज आर रेडिश इन कलर एंड रबरी, रबर की तरह उनकी कंसिस्टेंसी है। जब आप फील करेंगे तो रबरी की तरह फील होगा ये। बीन शेप्ड ऑर्गन से, जैसे हम राजमा कह सकते हैं अपना, वैसे ईच किडनी वेज अबाउट 115 to 170 grams। लेंथ है इसका 12 to 13 centimeters, विड्थ है 5 to 6 centimeters, थिकनेस है 2.5 to 3 centimeters। ये देखिए, ये है एक, अगर आप किडनी को काट दें तो बीच में ऐसे लगेगी ये। ये इसके अंदरूनी पार्ट्स है, ये ऊपर कॉर्टेक्स हो, जो हो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन हो गया, रीनल कैप्सूल हो गया इधर, मेड्यूला, रीनल पिरामिड, ये सारा किडनी का पार्ट है। तो फाइनली आपका जो यूरिन बनता है वो इधर आपके यूरेटर के थ्रू निकल जाता है, यहाँ सब कलेक्ट हो करके। वो अभी हम देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो माइक्रोस्कोपिकली ईच किडनी इज मेड अप ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं। नेफ्रॉन जो है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, वो है नेफ्रॉन। ये जरूर याद रखिएगा, ये है जो मेन काम कर रहे हैं किडनी में। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स विच फंक्शन एक्टिवली थ्रू आउट 24 आवर्स, 24 घंटे काम कर रहे हैं आपका टॉक्सिन्स निकालने के लिए ब्लड से। नेफ्रॉन्स इंडिपेंडेंट एंड इज ग्लोबुलर इन शेप, ग्लोब की तरह आकार है, वो भी हम देखेंगे जो एंड है उसका, और वो कहलाता है बोमेंस कैप्सूल जो किडनी की कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। अभी हमने देखा किडनी कॉर्टेक्स, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो एक साइड उसका इंडिपेंडेंट साइड है, ग्लोब की तरह उसका शेप है, और वो भरा हुआ है कैपिलरीज से, जो फाइन ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स फाइनली कैपिलरीज बिल्कुल फाइन छोटे छोटे कैपिलरीज में एंड होती हैं, तो वो इससे भरी हुई होती है और ये कहलाती है ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर आर कॉल्ड रीनल कॉर्पसल। ठीक है, अब बोमेंस कैप्सूल जो है वो एक कनेक्टेड है पीछे की तरफ से एक लॉन्ग ट्यूब से, जो जो ट्यूब्यूल्स है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर है लूप ऑफ हेनले, और है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो ये डीसीटी है, ये जब टर्न होता है तो और पास होता है बोमेंस कैप्सूल के पास से, तो वो ज्वाइन करता है एफरेंट आर्टेरियोल्स। एफरेंट आर्टेरियोल्स वो होते हैं जो ब्लड ये ग्लोमेरुलस की तरफ लेके आते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। टू फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जेजे एपरेटस जिसको बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। डीसीटी ओपन्स एट कलेक्टिंग डक्ट। अब हम देखें, ये देखिए एक नेफ्रॉन है, ये यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये पूरा रीनल कॉर्पसल कहलाएगा। ये आपका हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इस तरफ। ये डिसेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, मतलब नीचे की तरफ जाता हुआ, और ये असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये डीसीटी जो है, अब ये पैरेलल
कलेक्टिंग डक्ट में निकल आया बाहर, ये आपका नेफ्रॉन, अब ये देखिए यहाँ पे, इससे आपको ज्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा। रीनल कॉर्टेक्स में ऐसे ये बहुत सारे 1 मिलियन के करीब होंगे। अब इससे जब फिल्टर होगा तो यहाँ धीरे धीरे कलेक्ट होके जब यूरिन कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से यूरेटर से थ्रू पास होता रहता है। अब जो है, जो थिन वॉल्स हैं ग्लोमेल रूलस के, वो छोटे मॉलिक्यूल्स वेस्ट और फ्लूइड को, मोस्टली वाटर को पास करने देते हैं। आपके सेल्स वगैरह नहीं पास होते हैं, क्योंकि सेल्स पास हो गए, प्लाज्मा पास हो गया, मेन जो पोषक तत्व है प्रोटीन्स में, प्लाज्मा में प्रोटीन्स और सेल्स वगैरह अगर पास हो गए तो न्यूट्रिशन तो बॉडी को पहुंचेगा ही नहीं। तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है जो फिल्टर होने हैं टॉक्सिन से, वेस्ट से और फ्लूइड, इन तीनों को पास होने देता है। द ट्यूब्यूल रिटर्न्स नीडेड सब्सटेंसेस टू योर ब्लड एंड रिमूव्स वेस्ट। तो इन बोथ द किडनीज फ्लो 1200 ml ब्लड पर मिनट, इतना ब्लड फ्लो होता है पर मिनट, जिसमें 540 ml ब्लड सेल्स एंड 660 ml प्लाज्मा है। जो कैपिलरीज हैं ये ग्लोमेरुलर टफ्ट की, उसका एंडोथीलियम जो है मेड ऑफ सिंगल फ्लैट सेल्स विच आर पेनिस्ट्रेटेड, यानी स्ट्रेनर की तरह, एक छन्नी की तरह उसमें होल्स हैं। एंडोथीलियम जो बिल्कुल ही ब्लड वेसल के नीचे है, जो अंदर की लाइनिंग है, तो वो बने हैं आपके छन्नी की तरह, उनमें होल्स हैं छन्नी की तरह। दिस एंडोथीलियम एंड एपिथीलियम बाहर की कवरिंग ऑफ वोमेन्स कैप्सूल जॉइंटली मेक फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, मतलब ये दोनों मिला करके फिल्टरिंग मेम्ब्रेन बनाते हैं जिससे ब्लड फिल्टर होता है। तो द ग्लोमे रूलर टफ्ट स्ट्रेन्स 127 ± 2 ml फ्लूइड, जिसमें ब्लड सेल्स नहीं होते और प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते, वो वापस बॉडी में चले जाते हैं के यूज के लिए। तो जो ये फिल्ट्रेट है जो ग्लोमेरुलस से बनता है, वो फिल्ट्रेट को अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि उसमें माइन्यूट पार्टिकल्स ही निकल पाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड एलिमेंट्स अक्रॉस द फिल्टरिंग मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस अंडर द फिजिकल लॉ बाय फिल्ट्रेशन मेथड, फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है ये फिल्ट्रेशन जो मेथड है आपका, क्योंकि आपके पास छन्नी है, आपके उसमें सेल्स है ना, तो छन्नी जैसे हैं, तो फिल्ट्रेशन होता है फिर वहां पे। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में होता क्या है, हर मिनट 1 लीटर ऑफ ब्लड जो है फ्लो करता है इन ग्लोमेरुलाई में, एंड अबाउट 100 ml ऑफ इट इज फिल्टर्ड ऑफ। प्लाज्मा कंटेनिंग ऑल द सॉल्ट्स ग्लूकोज एंड अदर स्मॉल सब्सटेंसेस इज फिल्टर्ड, ये सब फिल्टर होते हैं। जो बाकी सेल्स और प्लाज्मा है उसके प्रोटीन्स है जो बहुत बड़े हैं पास होने के लिए, फिल्टर के पोर से वो पीछे रह जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में बॉडी की यूटिलाइजेशन के लिए। अब फिर जो फ्लूइड फिल्टर होता है, जिसको आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बोलते हैं, ये आपके रीनल ट्यूब्यूल्स जो अभी हमने देखा था, पढ़ा था उनके बारे में, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, वो उनके थ्रू पास होते हैं एंड उनके सेल्स वो अब्सॉर्ब करते हैं जो बॉडी चाहता है, रीअब्सॉर्ब करते हैं और वो फिल्टर हो जाने देते हैं, निकल जाने देते हैं जो बॉडी नहीं चाहता। तो
इसमें क्या होता है फिर, रीअब्सॉर्ब वो हो रहा है जो बॉडी को चाहिए, और छूट पीछे वो जा रहा है बाहर निकल के लिए जो बॉडी को नहीं चाहिए। तो ये जो सेल्स है ये एडजस्ट करते हैं यूरिन कॉम्पोजिशन को। आपका यूरिन जो जिससे का उसमें क्या क्या है उसको, उस कॉम्पोजिशन को एडजस्ट करते हैं बाय वेरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस दे अब्सॉर्ब और लीव बिहाइंड। उसी हिसाब से आपका जो एलिमेंट्स है यूरिन में जिससे वो बना है वो फिर एडजस्ट होता है। ग्लूकोज नॉर्मली सारा रीअब्सॉर्ब होता है, वाटर भी रीअब्सॉर्ब होता है, वेस्ट एक्सक्रीट होता है। वाटर लार्जली कुछ बाहर भी निकलता है। नाउ ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसका फिल्ट्रेशन रेट क्या है, इज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा विच इज फिल्टर्ड ईच मिनट। जितना प्लाज्मा 1 मिनट में फिल्टर होता जा रहा है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ये वैसे भी आपके अगर कभी किडनी के टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है तो कई बार डॉक्टर्स ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR के नाम से होता है ये टेस्ट, ये कराते हैं डॉक्टर्स, इसलिए आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज है। अब हम आते हैं, अभी हमने पढ़ा कि कुछ चीजें ट्यूब्यूल्स में रीअब्सॉर्ब होती हैं तो वो क्या होती हैं। अब हम पढ़ते हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन फिर ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टिव है। मतलब हर चीज नहीं रीअब्सॉर्ब हो जाती है, जो जो बॉडी के बॉडी को चाहिए वही अब्सॉर्ब होती है, बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स तो निकल ही जाते हैं। ये प्रोसेस एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है और हॉर्मोन से इन्फ्लुएंस्ड होता है। हॉर्मोन्स एक तरीके से केमिकल मैसेंजर्स हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स को बताते हैं कि उनको क्या काम करना है, पर इसके बारे में डिटेल में आप एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जो आपके थर्ड सेमेस्टर में है। तो अब क्या है, अब रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। वाटर रीअब्सॉर्ब भी होता है और हमने बोला मोस्टली रीअब्सॉर्ब होता है और थोड़ा निकलता भी है। तो अब कैसे कहाँ हो रहा है ये हम पढ़ते हैं। इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल PCT में द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिव एंड वाटर गेट्स रीअब्सॉर्ब सेकेंडरी टू सोडियम। पहले सबसे ज्यादा आपका सोडियम अब्सॉर्ब हो रहा है एंड उसके बाद सेकेंडरी टू सोडियम पानी रीअब्सॉर्ब होगा। 60 से 70% वाटर आपका जो है इसमें रीअब्सॉर्ब हो रहा है PCT में। आपका लूप ऑफ हेनले है वो पानी को नहीं सिर्फ सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर रहा है बॉडी में। आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT में 20 से 25% वाटर ही रीअब्सॉर्ब हो रहा है ड्यू टू एंटी डायुरेटिक हार्मोन। बट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज इन्फ्लुएंस बाय एल्डोस्टेरोन। ये दो अलग अलग हार्मोन है जो आपका रीअब्सॉर्प्शन DCT में इफेक्ट कर रहे हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन अबाउट 4 to 5% वाटर गेट्स रीअब्सॉर्ब इन द कलेक्टिंग डक्ट। वहां पर भी आपका थोड़ा 4 to 5% वाटर आपका रीअब्सॉर्ब हो रहा है। दस अगर आपका ADH का अमाउंट लेस देन नॉर्मल है फिर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इफेक्ट होगा और यूरिन में पानी ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से आपका डायबिटीज इंसिपिडिस कहलाता है ये। एंड इफ एल्डोस्टेरोन इज इनसफिशियंट द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम विल इंक्रीज इन यूरिन। तो ये हार्मोन्स इस तरीके से इफेक्ट करते हैं रीअब्सॉर्प्शन को, इसलिए इनका सही मात्रा में निकलना आपकी बॉडी में और सही टाइम पे मैसेज देना बहुत जरूरी है आपके PCT में, आपकी DCT में और बेसिकली आपके DCT और कलेक्टिंग डक्ट में। अब रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज,
अब आउट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट निकलता है, 80% ऑफ ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड इन फर्स्ट पार्ट ऑफ पीसीटी ड्यू टू एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है? 20% इज रीअब्सॉर्ब्ड इन नेक्स्ट हाफ ऑफ पीसीटी, सो ग्लूकोज इज नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन. तो 80 और 20% वैसे तो आपका एक्सक्रीट हो गया, मतलब पूरा ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो गया. जो निकला था, जो आया था आपके, उसमें वो रीअब्सॉर्ब हो गया, तो एक्सक्रीट नहीं हुआ यूरिन में. 135 प्लस माइनस 10 mg पर मिनट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बाय नॉर्मल हेल्दी पर्सन. ये है एक्सक्रीटरी कैपेसिटी फॉर ग्लूकोज. इन अदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू दीज फाइंडिंग्स, वी कैन कैलकुलेट द ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज. कितना ग्लूकोज अब्सॉर्ब रीअब्सॉर्ब हो रहा है ग्लूकोज में, तो आपका हेल्थ भी पता चल जाएगा ट्यूब्यूल से. इससे हेल्दी है कि नहीं वो. तो अब हम बोल रहे हैं कि रीअब्सॉर्ब पूरा ग्लूकोज हो जाता है, बट कुछ कंडीशंस में ये एक्सक्रीट भी होता है. थ्री सिचुएशंस में अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन हैज 500 ग्राम ग्लूकोज एट अ टाइम. अब जब व्हेन हिज ब्लड ग्लूकोज लेवल, बीजीएल मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल, विल क्रॉस द लेवल ऑफ रीनल थ्रेशोल्ड, उस लिमिट को क्रॉस कर देगा, एट दैट टाइम ग्लूकोज विल बी प्रेजेंट इन हिज यूरिन. मतलब बीजीएल ज्यादा हो तो आपका रीनल थ्रेशोल्ड से ज्यादा तो उसके यूरिन में प्रेजेंट होगा, और जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा, ग्लूकोज एंड यूरिन विल डिसअपियर, क्योंकि एक्सेस ग्लूकोज है वो निकल जाएगा, एक्सक्रीट होगा ये, और जैसे नॉर्मल हो जाएगा वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा. सो दिस इज नोन एज एलिमेंट्री ग्लूकोसूरिया. अब आपका पीसीटी किसी वजह से अगर डैमेज हो गया, जिसकी वजह से रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू लेस देन नॉर्मल है, तो ये जो है ग्लूकोज को एक्सक्रीट करेगा यूरिन में, इवन इफ ही हैज बैलेंस डाइट. यहाँ पीसीटी में प्रॉब्लम है, बीजी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा नहीं है पर पीसीटी में प्रॉब्लम है, डैमेज है किसी वजह से, तो जो है रीनल थ्रेशोल्ड लेवल लेस हो गया, लिमिटेड रिड्यूस हो गई, तो ब्लड अब फिर ग्लूकोज जो है वो यूरिन में वो होगा. ये होता है रीनल ग्लूकोसूरिया में. अब डायबिटिक पर्सन में ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हायर होगा देन रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो अगर ये सिचुएशन अनकंट्रोल्ड है, पर्सन विल एक्सक्रीट ग्लूकोज इन यूरिन. ये होता है डायबिटिक ग्लूकोसूरिया. तो इनके केस में तो ग्लूकोज एक्सक्रीट होगा ही होगा. अब हमारे फंक्शंस क्या है? रीनल रीनल जब भी हम बोलते हैं किडनी है, मतलब किडनी से रिलेटेड है. तो आपका यूरिनरी सिस्टम को आप रीनल सिस्टम भी बोल सकते हो. रीनल जब भी होगा मतलब किडनी से रिलेटेड है. तो पहला तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फिल्ट्रेशन के थ्रू, फिर टू रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमने अभी पढ़ा, सोडियम वाटर रीअब्सॉर्प्शन थ्रू हॉर्मोन्स के थ्रू वो रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस इन्फ्लुएंस होता है, तो वो रेगुलेट करता है क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी में. फिर मेंटेन द नॉर्मल पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, क्योंकि आपका जो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वेस्ट से वो निकलते जा रहे हैं, तो नॉर्मल पीएच मेंटेन हो रहा है, नहीं तो ब्लड एसिडिक होना शुरू हो जाएगा, जो वैसे हमने पढ़ा है नॉर्मली थोड़ा अल्कलाइन होता है. तो उनका नॉर्मल पीएच भी मेंटेन करता है, क्योंकि ये निकाल देता है वेस्ट को. अब जो एक्स्ट्रा रीनल फंक्शंस हैं, ये जो है ये टू एक्सक्रीट वाटर सॉल्युबल वेस्ट जो कि भी होता है, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. फिर उसमें ये है सिंथेसिस ऑफ एंजाइम रेनिन, हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन, इप्यूरिक एसिड, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये काम भी होते हैं. अब हम थोड़ा सा रेनिन और एरिथ्रोपोएटिन जो है, एरिथ्रोपोएटिन आपको एक हार्मोन है जो
अगर आपने ध्यान दिया होगा ब्लड चैप्टर में, ये जब किडनी से रिलीज होता है तो ये मैसेज देता है आपके बोन मैरो को कि आरबीसीज आप प्रोड्यूस करिए, तो ये इसका रोल है। अब हम आते हैं आपका जेजे अपरेटस में, टक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो थोड़े सेल्स उस ग्लोमेरुलस के होते हैं, इसके थोड़े डिस्टल ट्यूब्यूल के, फिर एफरेंट आर्टेरियोल्स और एफरेंट, एफरेंट जो ब्लड लेके जा रहे हैं और एफरेंट जो फिल्टर होने के बाद जो ब्लड है उसको बाहर ब्लड की तरफ वापस लेके जा रहा है। तो एफरेंट ब्लड से लेके आ रहा है ग्लोमेरुलस में और एफरेंट ग्लोमेरुलस से ब्लड में लेके जा रहे हैं। एफरेंट और एफरेंट में ये फर्क है। तो ये लोकेट होता है एक स्पेशलाइज्ड रीजन नेफ्रॉन में, वेर इन द एफरेंट आर्टेरियोल एंड द डीसीटी कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। डीएलटी नहीं, डीसीटी है, कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। द जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कंटेन स्पेशलाइज सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल नोन एज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये कंटेन इनके इनमें होता है एक एंजाइम रेनिन जो सेंस करता है ब्लड प्रेशर को। नाउ जो सेल प्रेजेंट होते हैं एफरेंट आर्टेरियोल में, उनके एंड में मॉडिफाई इनटू ग्रैनुलर एपिथेलॉइड सेल्स। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ द पार्ट ऑफ डीटीसी मॉडिफाइड इनटू मैक्यूला डेंसा व्हिच इज नियर एफरेंट आर्टेरियोल। नाउ जेजीए बिकेम्स एक्टिव ऑन डिमांड एंड इट नीड्स स्टिमुलाई टू स्टार्ट। हाइपोक्सिया एंड लो वाटर वॉल्यूम। हाइपोक्सिया मतलब आपका, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन लेवल लोअर है देन नॉर्मल, एंड लो वाटर वॉल्यूम, बोथ द सिचुएशंस कॉज सिंथेसिस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन एंड रेनिन रिस्पेक्टिवली। एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट्स बोन मैरो टू फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। ये हार्मोन जो है किडनी, जब ये हार्मोन रिलीज करती है तो ये स्टिमुलेट करता है, मैसेज देता है बोन मैरो को कि अब आप रेड ब्लड सेल्स बनाइए, अगर ये कम होगा तो आपका रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी कम फॉर्म होंगे। तो जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और जो जीएफआर है अगर वो डिक्रीज होता है, ये एक्टिवेट कर देता है जेजी सेल्स को टू रिलीज रेनिन, एंजाइम रेनिन को रिलीज करता है, वो ये एक्टिवेट करता है ये जेजी सेल्स को ताकि वो रिलीज करे एंजाइम रेनिन। रेनिन फिर कन्वर्ट करता है एंजियो टेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियो टेंसिन वन एंड फर्दर इनटू एंजियोटेंसिन टू। एंजियोटेंसिन टू एक पावरफुल वासो कंस्ट्रिक्टर है, यानी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्टर है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड फिल्ट्रेशन रेट। एंजियोटेंसिन टू ऑल्सो स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन फिल इंक्रीज करता है द रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन्स एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट। दिस आल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर, आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। दिस मैकेनिज्म नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म लीड्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है ये ब्लड प्रेशर भी आपका इंक्रीज कर देता है। अब ये देखिए जे जी अपरेटस इधर सोर्स ऑफ रेनिन, यहाँ पे जा रहा है, ये आपका लूप ऑफ हेनले एफरेंट आर्टेरियोल जे जी ए बनाना है ये। स्पेशलाइज सेल्स हैं, यहाँ दिख रहा है आपको, इधर और भी क्लियर है आपका,
एफरेंट आर्टेरियोल है, ब्लड लेकर आ रहे हैं और ये जब मिलकर के जे जी ए बना रहे हैं। अब मिक्टुरेशन क्या है? अब जो हम यूरिन पास करते हैं, द प्रोसेस ऑफ एम्प्टीइंग यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मिक्टुरेशन। अब यूरिन जो किडनी में फॉर्म होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर को थ्रू यूरेटर टू स्टोर देयर। एक मस्कुलर ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर, तो वो जो है आपका यूरिन स्टोर करता है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये पेरिस्टाल्टिक वेव के थ्रू होता है, विच जनरेट्स ड्यू टू द अराइविंग ऑफ यूरिन इन पेल्विस पार्ट ऑफ यूरेटर आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स। और ये पेरिस्टाल्टिक वेव आपने डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में भी पढ़ा होगा, वही टाइप ऑफ मूवमेंट है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। ये जो वेव बनती है उससे, ये वही उसी तरीके से ये मूव होता है ड्यू टू अराइविंग ऑफ यूरिन इन पेल्विस पार्ट ऑफ यूरेटर आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स। तो स्पीड ऑफ यूरिन इन यूरेटर इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द इनर लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथीलियम विच हेल्प द ब्लैडर टू स्प्रेड टू स्टोर द यूरिन। तो ब्लैडर मस्कुलर ऑर्गन है तो एक्सपैंड कर सकता है क्योंकि इसकी इनर लाइनिंग बनी है ट्रांजिशनल एपिथीलियम से। देयर इज अ ट्रायंगुलर रीजन इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ, पीछे की वॉल में ट्रायंगुलर रीजन है ऑफ यूरिनरी ब्लैडर नोन एज ट्राइगोन एरिया। जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है यूरिन से, तब ट्राइगोन एरिया में प्रेशर फील होना शुरू हो जाता है। तो वहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट, वो सिग्नल्स भेजना शुरू कर देते हैं टू स्टार्ट सेंडिंग एफरेंट सिग्नल्स टू स्पाइनल सेंटर। अब दस जो है आपका इंटरनल स्पिंक्टर जो ओपन होता है एज ए रिफ्लक्स, बट द एक्सटर्नल स्पिंक्टर ओपन्स वॉलंटरी ओनली। इंटरनल स्पिंक्टर अंदर जो है वो ओपन होता है रिफ्लक्स, एक्सटर्नल स्पिंक्टर ओपन्स वॉलंटरी जो आपके कंट्रोल में भी है। 300 to 400 ml यूरिन डेवलप्स 15 to 80 mm ऑफ वाटर प्रेशर इन यूरिनरी ब्लैडर। Generally, micturition reflux is set on this pressure. If the person does not urinate at this signal, मतलब जब सिग्नल आ रहा है और आप यूरिनेट नहीं कर रहे हो, आपकी प्रेशर की फीलिंग हो रही है, आप यूरिनेट नहीं कर रहे हो, वो सिग्नल डाई आउट हो जाएगा और वो 5-10 मिनट के बाद फिर भेजा जाएगा। पर 3 से 4 ऐसे रिफ्लेक्सेस के बाद अगर आप फिर भी नहीं यूरिनेट कर रहे हो, यूरिनेशन नहीं कर रहे हो, तो फिर ये मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स जो है वो परमानेंटली डाई आउट हो जाएगा। तब 600 से 800 ml ऑफ यूरिन विल कलेक्ट इन द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में, एंड विल डेवलप अ वाटर प्रेशर ऑफ 100 mm एंड द पेल्विक पार्ट ऑफ द पर्सन विल बी पेनफुल। जो आपका पेल्विक्स का पार्ट है पूरा पेन, उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा आपको, कितने प्रेशर के वजह से इतना यूरिन अक्यूमुलेट हो गया है। और इस पेन के वजह से इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू पास यूरिन। फिर जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो तो विल नॉट ओपन विदाउट रिफ्लेक्स आफ्टर सेवरल ट्राइज, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन विल पास इन यूरेथ्रा एंड देन अ वीक रिफ्लेक्स विल सेट। उसके बाद फिर एक वीक रिफ्लेक्स सेट हो जाएगा। तो ब्लैडर बिलो फिर इवैक्यूएट करेगा सेवरल रिफ्लेक्सेस के बाद, अपने आप फिर इवैक्यूएट करेगा क्योंकि अब एक पॉइंट के बाद तक तो वो स्टोर भी नहीं कर सकता। तो आपका आपने नहीं यूरिन पास की या नहीं पास कर पाए तो एक पॉइंट के बाद वो कुछ कई रिफ्लेक्सेस के बाद वो निकाल ही देगा यूरिन। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज एटोनिक ब्लैडर। अब हम आते हैं कुछ डिजीजेस जो है ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये कुछ ही डिजीजेस हैं, इनके अलावा और भी बहुत है, तो हम कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे। सम डिजीजेस ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम आर एज फॉलोज, इनकॉन्टिनेंस,
अगर जो स्फिंक्टर्स है ऑफ द ब्लैडर वो लूज हो जाते हैं, जो मसल्स हैं जो बंद, स्फिंक्टर्स क्या है वो अलाउ नहीं करते, एक इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर है और एक वॉलेंट्री स्फिंक्टर है, अगर वो अपना टोन लूज कर लें किसी भी कारण से, इन्फ्लेमेशन की वजह से या वैसे ही ड्यू टू एज की वजह से, अगर किसी तरह से अपना लूज कर लें वो होल्ड, तो यूरिन कलेक्ट नहीं होगा बट विल पास ड्रॉप बाय ड्रॉप थ्रू यूरिथ्रा। फिर उसके बाद ओवरफ्लो, ऑटोमेटिक ब्लैडर। अब इन केस ऑफ पैराप्लेजिया यानी पैरालिसिस ऑफ लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, द मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स इज नॉट एबल टू सेट इन। रिफ्लेक्स ही नहीं, क्योंकि वो सेंसेशन नहीं पहुंच रहा। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ही ब्लैडर फुल हो रहा है एक्सटर्नल स्फिंक्टर ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है और यूरिन एक्सपेल आउट हो रहा है विदाउट, मतलब पर्सन को पता नहीं, उसको उसको आइडिया भी नहीं हो पा रहा है और यूरिन निकला जा रहा है। फिर है बेड वेटिंग, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में 10 साल तक। आपका ब्रेन में एक पार्ट है सेरेब्रम, वो इंफॉर्मेशन उसको मिलती है मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स की, फिर पर्सन जो है वो फील करता है फुलनेस ऑफ ब्लैडर, एंड नॉर्मली रात को भी जैसे आप यूरिन करने के लिए उठते हैं चाहे आप सो भी रहे हो, अगर आपका ब्लैडर फुल है वो रिफ्लेक्स के वजह से, वो सिग्नल आपके ब्रेन में पास होने की वजह से आप उठ जाते हैं और जाते हैं यूरिन पास करने के लिए। पर कई बच्चों को नहीं फील होता, वो गहरी नींद में होते हैं, तो अब क्या होता है सेरेब्रम जो है ऑर्डर कर देता है ओपन करने के लिए एक्सटर्नल स्फिंक्टर टू पास यूरिन आउट विदाउट अलार्मिंग द चाइल्ड। अब बच्चा फिर बेड वेटिंग कर देता है, उसे पता ही नहीं चलता वो गहरी नींद में है। अब आपके रीनल यूरेटिक यूरिनरी ब्लैडर स्टोन, चाहे आपकी किडनीज में हो, आपकी यूरिनरी ब्लैडर में हो, यूरेटर्स में हो, ये जो स्टोन है इज जस्ट लाइक, ये जो स्टोन्स होते हैं क्रिस्टल की तरह होते हैं इन अ लैब, मतलब एक छोटे छोटे क्रिस्टल्स की तरह होते हैं, वन मॉलिक्यूल अटैच होता है टू एन अदर एंड सो ऑन। जनरली ऑक्सलेट स्टोन्स एंड यूरिक एसिड स्टोन्स आर फाउंड इन रीनल सिस्टम। पर्सन जो है वो कॉलिक पेन इन लंबर रीजन फील करता है, मतलब आपके पूरे पीछे की तरफ और सामने की तरफ थोड़ा साइड में पेन आता है, इन बोथ केसेस ऑफ रीनल स्टोन और यूरेटिक स्टोन। इन केस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन द पर्सन विल कंप्लेन दैट ही वॉन्ट्स टू यूरिनेट, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है वो कंप्लेन कर रहा है वो यूरिनेट करना चाहता है बट कुड नॉट बिकॉज द स्टोन ब्लॉक्स द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। वो स्टोन पड़ा हुआ, एक ब्लॉकेज है, यूरिन पास नहीं हो पा रही। अब और लाइंग डाउन पोजीशन में क्या है, स्टोन हिट करता है ट्राइगोन रीजन को, रिफ्लेक्स भेजता रहता है, स्टिमुलेट करता है, तो अब क्योंकि वहां पे है उसको स्टिमुलेट करता रहेगा, सो पर्सन फील्स टू पास यूरिन फ्रीक्वेंटली। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर स्टोन की वजह से, या रीनल आपके यूरेटिक अगर स्टोन है तो। तो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, अगर ये टॉक्सिन्स नहीं निकालेगा तो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स भर जाएंगे जो आपके लिए जो है बहुत हानिकारक हैं। अगर पॉइजनस एक तरीके से, जैसे मैंने इनिशियली बोला, वे पॉइजन बन जाते हैं बॉडी में अगर वो ना निकले तो, और आपके बॉडी ऑर्गन्स को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, सेलुलर फंक्शंस को इफेक्ट करना शुरू करते हैं। कई केसेस में अगर नहीं निकाला गया तो स्लोली स्लोली फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स भी होते हैं और पर्सन की डेथ भी हो जाती है अगर टॉक्सिन टाइम पे नहीं निकाला गया तो, अगर भर गया बिल्कुल बॉडी में तो। इन इस सिस्टम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का। तो ये किडनी जो है, तो ये कुछ चीजें जो है आपको कभी भी अगर आप ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी आपके पास कोई आता है या आप खुद एक पर्टिकुलर एज के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह बोलते हैं करने को, तो इनमें ये सब चीजें आती हैं देखने को, आपकी किडनी कैसे फंक्शन कर रही है, GFR वगैरह ये
ये सब चीजें आपके कैसे आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है, कैसे आपकी किडनी फंक्शन, तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो जिससे मालूम चलता है कि आपकी जो रीनल सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम, वो कैसे फंक्शन कर रहा है, आपकी किडनीज ठीक से फंक्शन कर भी रही हैं कि नहीं। तो इसलिए आपको ये जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चाहे खुद को ट्रीट कर रहे हैं, किसी और को ट्रीट कर रहे हैं, आपको ये कैसे फंक्शनिंग है सिस्टम की, क्या इसमें इश्यूज आ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे GFR वगैरह, आपको हार्मोन्स कैसे इफेक्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तभी आप सही ढंग से आप समझ पाएंगे कि किसी को भी क्या इश्यू है, क्या चल रहा है बॉडी में, और ट्रीटमेंट आप सही तरीके से दे पाएंगे। तो उस चीज को समझ करके दिमाग में रख के आप पढ़िएगा। थैंक यू, थैंक थैंक यू देविका, बहुत यू। बढ़िया रहा। और आप लोगों ने पूरा चैप्टर देखा, सारा डिटेलिंग उसमें सब है, बीमारियों की भी और कैसा JG अपरेटस फंक्शन करता है। बहुत इम्पोर्टेंट है वो, और कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है JG, उसमें डिस्टल, वो डिस्टल ट्यूब्यूल और उसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, तो PCT, DCT और मिडिल बोल देते हैं कि मिडिल वाला होता है, तो मिडिल वाला तो होता नहीं। तो आपने देखा इसमें लूप ऑफ हेनले है, तो वो जो है स्पेशली ये क्वेश्चंस है बहुत इम्पोर्टेंट है, और वैसे चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सेमेस्टर दो के तीनों चार चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगेन शायद आगे देविका मैम बोलेंगी, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, आगे एंडोक्राइन सिस्टम होगा, तो वो भी जब क्लास होगा तो आप लोग जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, नर्वस सिस्टम के इक्विवेलेंट है, और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू देविका। हम लोग थैंक और यू सर। किसी को कुछ पूछना उछना है तो हम लोग बंद करें, कल हम लोग क्लासेस फिर होंगी तो चलती रहेंगी। ओके थैंक यू, थैंक यू देन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। हम्म।